आज मोदी जी आए हैं तो देख रहे हैं बहुत कुछ हुआ हमारे लिए, देख रहे घर दे रहा है, शौचालय दे रहा है। मोदी सरकार आएगा तो पूरा हम लोग के इंडिया बहुत एक नंबर का मस्त हो जाएगी सब। मोदी सरकार ही आएगा, मुझे पूरा उम्मीद है। नमस्कार दोस्तों, द चौपाल की टीम आ गई है यहाँ जन जन आदमियों से पता करने कि इस बार के चुनावी गठबंधन या फिर चुनावी जो प्रचंड हो चुका है उसमें लोगों की क्या राय है, किसको उन्हें जिताना है, किसको उन्हें हराना है। आइए जानते हैं आम जनता से। जी क्या लगता है आपको, इस बार की जो चुनाव है इसमें सभी राजनीतिक दल अपने अपने आपको एक से बढ़कर एक बता रहे हैं, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे केजरीवाल जी हो, चाहे मोदी जी हो, सभी लोग अपने अपने सारे के सारे जिन्होंने जितने काम किए हैं वो सब गिनवा रहे हैं। आप क्या करते हैं? मैं सर्जी ऑटो चलाता हूँ। अच्छा, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी है उसके राहुल गांधी ने अभी अभी कल ही एक बयान दिया है कि वो 72,000 रुपये एक गरीब आदमी के अकाउंट में डालेंगे। सर जी वो बात है ना, 72 रुपया अपना कमा के मेहनत से नहीं डाले ना, वो चोरी के पैसा होगा, कहाँ से लिया फंड में डाल दोगे? हम लोग 10 रुपया किसे मांगते, कोई नहीं देने वाला सर जी, उतना रुपया कहाँ से आया सर जी, ये तो बताइए। लेकिन आप जैसे गरीब आदमी है, 72,000 रुपये एक छोटी अमाउंट नहीं है, उस हिसाब से आपको क्या लगता है जब भारत सरकार आपको, अगर कांग्रेस सरकार में आती है और आपको वो सालाना 72,000 रुपये देगी तो आपको नहीं लगता वो आपके लिए फायदेमंद होगा? नहीं सर, हमको लगता है वो घाटा होगा, क्योंकि आम पब्लिक का पैसा होगा, वो तो काम कर नहीं रहे, गाड़ी चला नहीं रहे, खेती में काम नहीं करेंगे, पैसा कहाँ से आएगा? आम जनता का पैसा आएगा, वो जनता खून चुसेगी, वो तो अभी दे रहे हमसे, बाद में ब्याज खून चुस के ले लेंगे वो पैसे, वैसा पैसा हम लोग नहीं, हम लोग जैसे सही है, हम लोग चाहिए मोदी सरकार। लेने के चक्कर में ये बोल रहे हैं कि इतना 75,000 या 80,000 रुपया जनता को देने के लिए तैयार है, इससे पहले कहाँ कुछ किए हैं? बहुत सारे ऑर्डर दिए, बहुत सारे बोले हैं, हमें तो आज तक कुछ नहीं हुआ, हम तो वैसे के वैसे थे। आज मोदी जी आए हैं तो देख रहे हैं बहुत कुछ हुआ हमारे लिए, देख रहे घर दे रहा है, शौचालय दे रहा है, हमारे आने वाले के लिए बहुत सारा ये है, विकास है, तो इसी से हम लोग सभी लोग सहमत। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी के हैं वो राहुल गांधी जी कहते हैं कि ये गरीबों की सरकार है, जो कांग्रेस है गरीबों की पार्टी है, तो क्या आपको लगता है कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के बयान आते हैं गरीबों के लिए, गरीबी जनता के लिए, तो आपको लगता है कि उन्होंने गरीबी कहीं ना कहीं देखी है तभी वो इतनी गरीबों के हित वाली बात कर रहे हैं? वो देखिए, ये गरीबी जो है वो ये सब रॉन्ग बात है, क्योंकि वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं, वो अभी फिलहाल में जरूर गरीब हो रहे हैं, इससे पहले तो उन्होंने हमारे ख्याल से गरीबी देखी नहीं है, गरीबी हमने देखा है ढंग से क्या होता है, ठीक है, क्योंकि हम गरीब हैं। हमारे लिए कुछ किए हैं? हाँ, आज बोल रहे हैं कि 75,000 मैं गरीब को नाम पे जमा कर रहा हूँ, ये तो पहले भी बोलते हैं ना, आज देख रहे हैं कि मोदी हमारे लिए इतने कर रहा है तो अपने जीत के लिए बोल रहे हैं कि मैं इतना कर रहे हैं या इतना कर रहे हैं, ये ना आज तक तो हमारे लिए कुछ नहीं किए। तो आपको लगता है ये सिर्फ चुनाव में अपनी बात या अपने आप को ऊपर रखने के लिए ये बात कही गई है? चुनाव जीतने के लिए ये ऐसे कह रहे हैं या ऐसे बोल रहे हैं कि मैं इतना गरीब के लिए ये करूंगा, मैं गरीब के लिए ये करूंगा, समझे ना, गरीब को फुसला रहे हैं या धमका रहे हैं, समझे ना, हमको कहना मतलब 65 साल में गांधी जी जो राज किए कांग्रेस वाले से, अब तो कहा नहीं दिए, आज जब मोदी सरकार हराने के लिए कह रहे हैं कि ये देंगे तो वो देंगे, ये सब गलत बात है सर जी। बहुत राज ने काम किया भाई, गांधी सरकार ने 65 साल राज किया, पहले भी कांग्रेस की सरकार थी, पहले भी कांग्रेस ने राज किया था, तब भी गरीब आदमी थे, तो क्या तब कांग्रेस को गरीब आदमी याद नहीं आ रहे थे? नहीं सर, उस समय गरीब आदमी कहाँ याद आ रहे थे, आज जो देख रहे हैं कि मोदी जी ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं। इस टाइम में कांग्रेस ने राज किया था, उस टाइम में यहाँ पे बहुत गुंडागर्दी चला था, इससे पहले मैंने जो देखा है मेरे टाइम में जो कांग्रेस का राज रहा है वहाँ पे तो बहुत रोड पे चोर दंगे गुंडे सब ऐसे ही पलते थे, अभी इस मैटर में तो बहुत ही अच्छा है। और मतलब इन 5 सालों में गुंडागर्दी खत्म हुई है, जन जन तक लोगों तक योजनाएं पहुंची है, आपको लगता है? लैट्रिन बन गया सर जी हर बिहार में, देखिए हर घर में लैट्रिन, शौचालय, हर तरह देखिए स्कूल खोल रहा है, गांव गांव में स्कूल खोल रहा है, लैट्रिन बन रहा है, और क्या चाहिए, खाना दे रहा है, घर बना के दे रहा है, और क्या चाहिए मोदी सरकार, क्या चाहिए गरीब के लिए, बहुत हेल्प किए हैं अभी मोदी ने, जब भी हम देख रहे हैं बहुत किए हैं, समझे ना, तो अभी भी हम मोदी को ही वोट देंगे, समझे ना, और किसी को नहीं, मोदी को ही देंगे। बात है कि आम पब्लिक भी अब सियाना हो गया, पढ़ लिख साइको ऐसे बात लोग नहीं आने वाले, 65,000 रुपया ले लिए वोट दिए, हम लोग पैसा नहीं चाहिए, हम लोग को देश बचाना है। लेकिन अभी अभी कांग्रेस ने एक वाइल्ड कार्ड एंट्री भी खोली है जिसमें प्रियंका वाड्रा जो उनकी बहन है राहुल गांधी की, वो चुनाव प्रचार में उतरी है, जन जन पर जाकर लोगों जगह प्रचार कर रही है, कभी बनारस कभी इलाहाबाद, तो आपको लगता है कि उसका भी कुछ फायदा कांग्रेस को होगा? उसका फायदा कांग्रेस को कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि आज के डेट में लोग जागरूक हो गए हैं और वो अपने आप को समझते हैं, अपने वोट जो है आदमी का वो बहुत ही अहम है,
तो वहीं उसी जगह पे देना चाहेंगे जो अच्छा हो। और तो और वो गंगा के किनारे गई, उन्होंने गंगा का आचमन भी किया। तो पहले वो प्रत्यारोप लगाते थे कांग्रेस सरकार बीजेपी पर कि गंगा बहुत गंदी है, गंगा के किनारे साफ नहीं है, लेकिन जो 5 सालों में गंगा की सफाई या गंगा के लिए काम किए गए, क्या आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं सफाई और होने के बाद तभी जाकर वो गंगा का आचमन भी उन्होंने किया और उसकी गंगा के उन्होंने दर्शन किए पूरे? हाँ जी हाँ। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें, सी फर्स्ट करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हमसे जुड़ी सारी नोटिफिकेशन तुरंत पाएं।